फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज है दिन संडे और आज है तिल चतुर्थी। तिल चतुर्थी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि मैंने आपको पुराने व्लॉग में बताया कि मैं हर महीने की चतुर्थी को आती हूँ यहाँ पर दर्शन करने के लिए, यह खजराना गणेश मंदिर, और प्रसाद चढ़ाती हूँ। अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30 और हम लोग मंदिर आ चुके हैं, क्योंकि इस टाइम पर क्या होता है कि ज़्यादा रश नहीं होता है, बहुत सारे लोग नहीं होते हैं तो दर्शन आराम से हो जाते हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है और फिर मंदिर में पैर रखने की भी जगह नहीं होती है। बहुत लंबी लंबी लाइन बनाकर बहुत सारा वेट करना पड़ता है दर्शन करने के लिए, कम से कम 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। तो अभी हम लोग सुबह सुबह आ गए हैं दर्शन करने के लिए, और ये है मंदिर का एंट्रेंस। तो अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं। ज़्यादा भीड़ होने की वजह से यहाँ बहुत सारी व्यवस्थाएँ बनानी पड़ती हैं कि किस तरह से मंदिर के अंदर जाना है और कहाँ से कैसे बाहर जाना है। अभी लाइन ज़्यादा लंबी नहीं है तो हम भी लग जाते हैं लाइन में दर्शन करने के लिए। वैसे तो मोतीचूर या फिर बेसन के लड्डू चढ़ाते हैं गणेश जी को, लेकिन आज तिल चौथ की वजह से तिल के लड्डू ले लिए हैं और वही चढ़ा रहे हैं ज़्यादातर लोग। मैं भी वही चढ़ा रही हूँ। तो ये लीजिए, आप भी दर्शन कीजिए गणेश भगवान के। आभूषणों से श्रृंगार करके भगवान को मोतियों का चोला चढ़ाया गया है। बहुत ही बढ़िया डेकोरेशन करते हैं आज के दिन यहाँ पर। बहुत ही सुंदर सजाया है मंदिर को फूलों से और बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पर। ये देखिए, शाम की आरती के बाद यहाँ 11,000 लड्डुओं का भोग लगाया जाएगा, तिल के लड्डुओं का। और बस अभी आ गए हैं बाहर मंदिर के। तो ये बाहर का रास्ता है, इस तरह से टेंट वगैरह लगाकर बिल्कुल फिक्स है कि किधर से जाना है किधर से आना है। और ये मंदिर का गार्डन है, बहुत ही सुंदर है। तो अभी हम लोग दर्शन करके आ गए हैं मंदिर से। और यहाँ जो मंदिर का ग्राउंड है काफ़ी बड़ा सा, तो वहाँ पर मेला लगता है हर साल, लेकिन अभी बहुत सुबह का टाइम है तो मेला अभी चालू नहीं हुआ है। और वैसे भी कोविड की वजह से देखते हैं क्या होता है अभी मेले का हालचाल। तो ये देखिए, यहाँ पर आपको झूले वगैरह लगे हुए दिखेंगे अभी। ये देखिए, और बस अभी हम लोग जा रहे हैं घर पर। तो मिलते हैं शाम की पूजा में। तो कहानी तो मैंने पहले ही आप लोगों को सुना दी है जो इसके पहले वाला वीडियो आया था उसमें। और हमारे यहाँ पर पूजा में शकरकंद और तिल के लड्डू और तिल का एक बकरा बनाया जाता है नकली, जो काटा जाता है। तो बस वही मैंने सब बनाया है प्रसाद में। शकरकंद को मैंने बॉईल करके 7 शकरकंद रखे हैं पट्टे के ऊपर, और उसके आगे 7 गुड़ की गांठें रखी हैं, और तिल के लड्डू हैं। 10 लड्डुओं का मैंने भोग लगाया है जैसा कि आपको मैंने बताया था पिछले वीडियो में, और तिल का बकरा बनाया है। तो बकरा मैं आपको दिखाती हूँ पास से। तो कहानी वगैरह के बाद अभी हवन हो चुका है, इसके बाद हम लोग आरती करेंगे। तो ये देखिए, ये है बकरा, इस तरह से बनाया जाता है। इसके 4 पैर बनाए जाते हैं और चेहरा बनाया जाता है, और चेहरे पर अगर चाहें तो कौड़ी रख सकते हैं। अभी कौड़ी नहीं थी मेरे पास तो मैंने सिक्के रख दिए हैं। और इसको कन्याओं से कटवाया जाता है। तो बस अभी हम लोग आरती करने जा रहे हैं। और अभी मेरी छोटी वाली बेटी काट रही है बकरा। तो बस अभी यहाँ की पूजा हो चुकी है और अभी हम लोग जा रहे हैं छत पर चंद्रमा की पूजा करने।
बहुत ज़्यादा अंधेरा, तो ठीक से शूट नहीं हुआ है। चंद्रदेव निकल आए हैं और मैंने हल्दी कुमकुम वगैरह सब चीज़ चढ़ा के और उनको अगरबत्ती लगा दूंगी, उनकी आरती कर लूंगी। आज 35:40 का टाइम दिया है। और बस पूजा हो चुकी है, अब मैं नीचे जाकर कर लूँगी कर्पूर गौरम गणेश जी के सामने, और फिर उसके बाद जो भी खाना है खा लूँगी। और बस इसमें तिल के लड्डू खाए जाते हैं, वो खाना बहुत ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और नेक्स्ट ब्लॉग के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।